हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ प्रयोग संख्या 3। आप देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल लक्ष्यांश सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो उसमें उपकरण कौन कौन से होंगे? विभव मापी, संचायक सेल, प्लग कुंजी, लक्ष्यांश सेल, प्रतिरोध बॉक्स, धारा नियंत्रक और कनेक्टिंग वायर, जिनको संबंधक तार भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। R इज इक्वल टू L1/L2-1 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे R क्या है? बाह्य प्रतिरोध। ये स्मॉल L1 क्या है? सेल के खुले परिपथ पर विभव मापी के तार की संतुलित लंबाई सेंटीमीटर में। L2 क्या है? सेल के बंद परिपथ पर विभव मापी के तार की संतुलित लंबाई। ठीक है, L1 क्या हुआ? खुले परिपथ में, खुले परिपथ में, और ये जो है बंद परिपथ में, जबकि क्लोज्ड हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरे पेज में। ठीक है, अब हम दूसरे पेज में जाते हैं, पेज 2। ठीक है, इसमें देखते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सारणी। ठीक है, जब सेल खुले परिपथ में है, कुंजी K2 नहीं लगी है। ठीक है, तो लंबाई, संतुलित लंबाई क्या होगी? L1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 बार हम निकालेंगे, तो इसमें पहली बार आएगा 315 L1, और जो बाह्य प्रतिरोध कितना लिया जाएगा? 3 ओम। ठीक है, और K1 K2 दोनों कुंजी लगा दी जाएंगी, और तो कितना आएगा? L2 215। ठीक है, इसी प्रकार जब हम फार्मूला लगाएंगे, स्मॉल R इज इक्वल टू कैपिटल R L1/L2-1। कैपिटल R क्या हुआ? तो बाह्य प्रतिरोध जो हमने दिया है, बाह्य प्रतिरोध रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो पहले में 3 ओम, दूसरे में 4 ओम, चौथे में 5 ओम, तीसरे में 5 ओम। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से 3 रीडिंगें हम ले लेंगे। पहले में 1.39 आंसर आएगा। ठीक है, दूसरे में 1.81 और तीसरे में 2.21। ठीक है, फिर इनको 2.21 और ये तीनों जो हैं इनको हम ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 1.80। 1.80 जो है हमारा क्या आ गया? आंतरिक प्रतिरोध का माध्य। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं परिकलन, कैलकुलेशन कैसे की थी हमने। R1 = 315/215-1। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 1.39 ओम। फिर उसे दूसरा देखेंगे, R2 = 4/314/215-1=1.81 ओम। ठीक है, इसी प्रकार R3 = 5/315/217-1, तो 2.21 ओम। ठीक है, तो ये तीनों आने के, इनका माध्य निकाल लिया हमने, तीनों को जोड़ के 3 कर दिया, तो हमारा कितना आया लास्ट में? 5.41/3, तो आया 1.80 ओम। ठीक है, तो इसको 1.8 ओम लिखेंगे। ठीक है, तो परिणाम कितना आया? दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1.80 ओम है। ठीक है, सावधानियों में क्या लिखेंगे? बैटरी तथा सेल दोनों के धनध्रुव तार के ए सिरे से जुड़े होने चाहिए, तार का व्यास सभी स्थानों पर सभी जगह एक समान होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरे पेज में क्या है? सर्किट दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सर्किट में क्या है? देखिए, एक संचायक सेल दी गई है, सेल एक प्रतिरोध बॉक्स दिया गया है, एक की कुंजी K2 दी गई है, ये क्या है? ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, और इसमें संट रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, लक्ष्यांश सेल हुई। ठीक है, ये क्या दिखाया गया है? ये दिखाया गया है हमारा विभव मापी। ठीक है, तो ये विभव मापी है, विभव मापी से इसमें वायरिंग दिखाई गई है। ठीक है, किस तरह से वायरिंग करेंगे ये देखिए।
ये चित्र बनाना नहीं है तुम लोगों को, केवल इसमें केवल सर्किट देना है, देखना है कि किस तरह से जुड़ा हुआ है। जो फिगर बनाना है उसको हम वीडियो में अलग से डाल देंगे, तो वो देख लेना चित्र कौन सा बनेगा। ठीक है बच्चों, लैग्रांज सेल से गैल्वेनोमीटर जुड़ता है। गैल्वेनोमीटर का माइनस जो है ये किससे जुड़ता है, जॉकी से, ये हमेशा माइनस जॉकी से जुड़ता है। फिर ये लैग्रांज सेल, ये एक पॉजिटिव सिरा, ये मोटा वाला पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा है, रेजिस्टेंस बॉक्स से, और पॉजिटिव ही दूसरा इससे इसके ए सिरे से जुड़ा हुआ है। देखिए विमोमापी के, विमोमापी का बी सिरा कुंजी K1 से, कुंजी K1 का दूसरा सिरा धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक का दूसरा ये यहाँ इससे इसके निगेटिव से सेल के संचारी सेल से, और संचारी सेल का पॉजिटिव ये इससे ए सिरे से। ठीक है, इसी तरह से हमारा सर्किट जुड़ जाता है। ये देखो दूसरी K2 कुंजी से रेजिस्टेंस बॉक्स से जुड़ी है, और कुंजी K2 का दूसरा सिरा इसके लैग्रांज सेल के निगेटिव से। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।